अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं अभी रिसेंटली सिडनी से पर्थ मूव हुआ हूँ और यहाँ पे घर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आजकल की सिचुएशन के हिसाब से पहले ये पर्थ में बहुत बड़ा मसला था और अब नेशनल लेवल पे मसला हो गया। उसकी वजह ये है क्योंकि हर बंदा मूव हो रहा है पर्थ और ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के हालात अच्छे नहीं हैं, जो भी कोविड के बाद मसले हुए, तो इस वजह से जो है घर मिलना बहुत मुश्किल हो गए यहाँ पे। तो खैर फाइनली हमें घर मिला है। मैं सिडनी से आया था, एक महीना में लग गया घर ढूंढते ढूंढते। मुझे तकरीबन 100+ मैंने जो है ना इंस्पेक्शन की होंगी घरों की और एप्लीकेशन दी थी और रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और ऑफ़र भी ज़्यादा आ रही थी। हमें फाइनली घर मिला है जो कि सिटी से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की ड्राइव है। तो अब जो है वो घर हमें मिला तो हमने फौरन जो है ना उसको एग्री किया। ये जो पीछे वाला घर है ये मिला है हमें और मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये घर मिला है हमें और लकीली हमें ये खाली प्लॉट भी मिला है जो हम गाड़ियाँ पार्क करते हैं अभी फ़िलहाल। हमारी ये गाड़ी ये पार्क है, ये शाहजेब की गाड़ी है, ये पार्क है और ये घर का व्यू है, डबल स्टोरी घर है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि घर कैसे अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रही है आज का सिचुएशन। तो खैर फाइनली हमें तो घर मिल गया, मगर कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप पर्थ में हो। तो ये एंट्रेंस है, ये हमारा लेटर बॉक्स है, ये गैराज है और ये जो है शाहजेब भाई हैं, ये दादा भाई ब्लॉगिंग करते हुए ये वीडियोस बना रही हैं, ये हाशिर भाई हैं, ये जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी ये हाशिर भाई की है। और ये हमारे पास यहाँ पे फ्रंट में दो बिन है, रेड बिन में गार्बेज जाता है और येलो में लाइक जो भी रिसाइकल हो सकती है चीज़ें। और ये फ्रंट एंट्रेंस है हमारे घर की, इसमें एक रूम ये वाला है और ये हमें उन्होंने हमें स्टोर है जिसमें हमने सारा सामान रख दिया। बाकी एक रूम ये है और यहाँ से जो है सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। बाकी कुछ रूम यहाँ पे भी हैं, ये हमज़ा का रूम है और ये सामने वाला मेरा रूम है और यहाँ पे वॉशरूम है, ये कॉमन वॉशरूम है और ये टॉयलेट अलग है और इसका जो है ना शावर अलग है। तो यहाँ पे जो है सेपरेट है वॉशरूम और ये जो है बाथ टब है, ये वैसे बाथरूम में यूज़ नहीं होता। और ये एंट्रेंस है जो कि यहाँ डाइनिंग टेबल है, हाशिर भाई कुकिंग कर रहे हैं और ये हमारा टीवी लॉन्च है, हमने यहाँ पे सेटअप लगाया। ये भी हमने सब चीज़ें खुद ली हैं क्योंकि नया घर का मैच चल रहा है, PSL सब देखते हैं। ये हाशिर भाई कुकिंग कर रहे हैं किचन के अंदर। हाशिर भाई क्या बना रहे हो? भाजन आज हम बना रहे हैं बट कढ़ाई। बट कढ़ाई लाहौर वाली? गुजरा वाली की। अच्छा, बट कढ़ाई। ये हाशिर भाई की कुकिंग का मैं फ़ैन हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और दिल से करते हैं। सिर्फ एक ही काम है जो हाशिर भाई दिल से करते हैं और वो है कुकिंग जी। अच्छा, यहाँ पे चिकन बन रहा है? ये शायद चिकन स्टीम बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये आप हमें खोल के दिखा सकते हो? हाँ जी, आपको फोन पे दिखाया। ये भजन गोश्त है, अभी इसको थोड़ी देर पहले ही डाला था, अभी इसको गलाएंगे। अच्छा, ये हमारा किचन है, इसमें ब्रेकफास्ट दिखाएं से जी वाला। ये हमारा एयर फ्रायर है और यहाँ पे हमारा चिकन बन रही है, ठीक हो गया। ये ज्यादा तो नहीं पक गया? नहीं, ये एयर फ्रायर हो रहा है, इसका प्रॉपर टाइम। ये देखो ऊपर चिकन बना हुआ है, सही है, और ये 6 मिनट में रेडी हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, और ये हमने अभी कुछ चीज़ें ला के रखी हैं। वैसे हमारा किचन थोड़ा खाली खाली है मगर ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। ये है हमारे पास आटा मेकर, हम इससे ना अपना आटा बनाते हैं। इसको सिंपली जो है ना इस बटन को प्रेस किया और ये ऐसे चलाते हैं तो ये आटा बनाते हैं। और ये हमने अभी फ्रिज ली है, इसमें फिर फ्रिज भी थोड़ी थोड़ी खाली है। उसके अलावा ये हमारी लॉन्ड्री है जिसमें हम क्लीनिंग वाला सामान रखते हैं और ये ड्रायर
और ये हमारी मशीन है, ये हमारे पैक, ये बल्कि गैराज है हमारा, इसमें मैंने अपनी गाड़ी इस टाइम खड़ी की हुई है और इसमें सारा सामान हमने अभी वैसे ही रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसी वीक ही हम मूव हुए, हम जब भी गाड़ी की क्लीनिंग वगैरह करनी हो या कुछ भी करना हो तो यहाँ पे अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं। और यहाँ पे एक ओवर डोर है जो कि हमारे घर के बैक यार्ड है, इसमें हमारे पास इस घर में पूल भी है, तो पूल के लिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये वाली ये लगी हुई है, इसमें जब भी हमने पूल में खाना हो या कुछ करना हो तो पूल मोड ऑन कर देते हैं ताकि पानी सर्कल में चलता रहता है और ये मशीन जो है इस तरह चलती है। मैं अगर ये पूल बटन अभी प्रेस करूँगा शायद ऑटो चलती है, ये इस तरह ये चलती है और ये मोटर चलती है। ये हमारे आउटर पड़े हैं, सेंट्रल कूलिंग है इस घर में, हमें एसी वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पूल है जो कि दो दिन से, क्योंकि वीकेंड था सब जॉब पे थे तो कोई नहा नहीं रहा था, तो इसमें जो है इसमें थोड़ा गंद आया हुआ है। अभी ये जो मैंने मोटर ऑन की है इसमें क्लीनिंग होगी, सारा ऊपर वाला पानी चला जाएगा और वहाँ से पानी निकलता है, ये जो सुराख बने हुए इसमें से पानी आता है, ये शायद अभी थोड़ा टाइम लेगी चलने में। बाकी ये हमारा बैक यार्ड है जिसमें हम घास है, ये घास इतनी ब्राउन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और ये घास जो है ना ऑलमोस्ट लाइक जल गई है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ये भी एंट्रेंस है मगर हम ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके कर्टन्स वगैरह साइड पर करने पड़ते हैं। ये किचन से भी एंट्रेंस है और ये हमारा पूल है। हाँ जी, तो हाशिफ साहब के जो खाना है भट कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। हाशिफ साहब बिल्कुल रेडी हो गई है, भाजन बस ये रेडी है, इसको मैं आखिरी टाइम गार्निश करने लगा। ये बिल्कुल गल भी गया, गल चेक करवाओ, गला पड़ा है भाजन, गला पड़ा है। हमारी बोटी ऐसी होती है कि जो एक नमाले के साथ आप खा सकते हैं। क्या बोलते हैं, आपने पर बोटी एक नमाले के साथ खानी है, गर्म बहुत है। अच्छा बहुत मजे की है, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। हाँ जी, तो प्रो टिप ये है कि अगर आप वाकई घर ढूंढ रहे हो और पर्थ में आपको घर नहीं मिल रहा लीज पे, तो आप ये काम कर सकते हो कि आप उसमें ना, जैसे किसी घर का घर रेंट है $500 तो आप उसको ऑफर करो $600 या 550 करो, पहले 550 करके देखो या 600 करके देखो। अगर आपको कोई घर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है तो $100 ऊपर ऑफर करो वीकली, तो आपको डेफिनेटली वो घर देगा। और प्लस सेकेंडली आप जो है ना लीज़ जो है उसको बोलो कि मैं 12 मंथ के लिए लीज़ करता हूँ साइन, तो उसमें ये होता है कि फिर अगर आप 12 मंथ्स नहीं रहना चाहते तो आप ब्रेक लीज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज आप फेसबुक पर ऐड लगाते हो, कोई आपको मैसेज करता है तो वो लीज़ आप उसके नाम पर ट्रांसफ़र करके घर खाली कर देते हो, तो इसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह भी ख़राब नहीं होती और आप जो है घर भी आपको खाली कर सकते हो। तो हमारा ये घर का रेंट था $750 वीकली, तो हमने उसको $850 ऑफ़र किया और जिसकी वजह से हमें घर मिल गया। मैंने 12 महीने के लिए उसको बोला था कि मैं 12 महीने रहेंगे, तो जब $100 वीकली ख़ुद आप ऑफ़र कर रहे हो तो आपको घर मिल ही जाता है। ना होने से होना बेहतर है कि एटलीस्ट अगर आपको एक्सपेंसिव भी मिल रहा है तो आपको मिल तो रहा है। ये हालात कुछ सर से बात ठीक हो जाएंगे होपफुली, इस टाइम तो ये नेशनल लेवल का प्रॉब्लम है राइट नाउ, तो हो फॉर द बेस्ट। अगर आप लोगों को कोई मसला हो या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्थ में ही हूँ, तो घर कैसे ढूंढना है या कैसे मिलेगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।